मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर फाइनली वाला व्लॉग जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे महाकाल के दर्शन के लिए। और अभी हम चल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। अभी 6:15 है, मतलब 6:45 हो रखा है, 5:45। और ऑफिस भी निपटा लिया है, थोड़ा सा ब्रेक लगा के बगल में ही 200 मीटर पे बस जाके फटाफट आना है। और उसके बाद वापस हमको ओंकारेश्वर के लिए भी निकलना है, सो मैंने बुकिंग करा ली है। सो बेसिकली पहले प्लानिंग था कि यहाँ से ओंकारेश्वर जाएंगे, बट अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम यहाँ से पहले इंदौर जाएंगे, फिर इंदौर से ओंकारेश्वर जाएंगे, बिकॉज यहाँ से इंदौर इज लाइक 50-60 किलोमीटर्स और इंदौर से ओंकारेश्वर 70-75 किलोमीटर के आसपास में। बारिश हुई है रात में, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हमें घर सोचना पड़ गया कि पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे सुबह, कि ऐसा ना प्लान डिले करना पड़ जाए। बट लकली बारिश रुक गई। बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, हाँ हमको लग रहा पूरा उज्जैन के घर वालों ने सबने अपने अपने घर में एक एक रूम तो डाल ही दिया गेस्ट हाउस के लिए। तो सब लोग अपना अपना खोल ही रहे हैं दुकान। वो इधर भाई कितना सही लग रहा है समय भी लाइटनिंग इफेक्ट पूरा अभी भी तो प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी किले के बीच में चल रहे हैं। ये देखो, ये देखो लाइव दिख रहा है वहाँ पर जो भी स्क्रीन पे चल रहा है भगवान जी का। और ये है वो रास्ता, सारा फेक है, मतलब जो VIP एंट्री वो तो 250 रुपये मांग ही रहे थे और उसके अलावा 700 रुपये और मांग रहे थे और डायरेक्टली दिखाना है, वो बंदा ही गायब हो गया। बच के रहिए भाई, बहुत ज़्यादा महाकाल का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। अब जनरल ठीक है, अभी सुबह सुबह के टाइम पर तो जनरल एकदम ही सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो हम लोग अंदर आ गए, ये है अंदर वाली मेन भीड़ जो लाइन लगी हुई है, बस वहीं अपने को जितना टाइम लगेगा शायद वही आधा घंटा 45 मिनट के आसपास में लगेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है सुबह। स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट बोले। ये देखो ये मेन पहले से जो कर लेंगे, भाई यहाँ पे तो कोई फोन मिल रहा है। ये क्या साबुदाना खा रहा है? ये साबुदाना खाए, चाय निकाल दो, दो चाय निकाल दो भाई। सुबह सुबह पूरा और महाकाल के दर्शन इतना बढ़िया हो गया। ये जी हम आ गए शिप्रा नदी, और तेरी ये देखो ये सीन आया, कैसा ट्रे करी पूरी प्लेट क्या रही है, बना अच्छा भाई। देखो अपनी हो गई पैकिंग शुरू और अब हम यहाँ से चल रहे हैं स्टेशन वहाँ से इंदौर, जैसे बात हुई थी। सो आज का महाकाल का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और शिप्रा नदी का भी दोनों आपने देख लिया होगा सिनेमैटिक, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगला व्लॉग इंदौर, पैकिंग डन, रेडी हो रहा है सुशांत जी। कहाँ है अपनी ट्रेन, कहाँ है अपना कोच? ये है अपनी ट्रेन और आगे आगे अपना कोच। खाना इडली, इडली आलू पराठा,